जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे डिफरेंस S400 वर्सेस US पेट्रोइड का। देखिए, हम S400 खरीद रहे हैं जबकि US हमसे कहता रहा कि हम आपको पेट्रोइड दे रहे हैं, तो आप पेट्रोइड ले लो, S400 की कोई जरूरत नहीं है। बट हम फिर भी एडमेंट रहे कि हमें S400 ही चाहिए, जबकि US ने ये भी कह रखा है कि हम रशिया पे सेंक्शन लगा रखे हैं, तो आप उससे S400 मत लीजिए, आप पे भी सेंक्शन लग जाएंगे। बट हम फिर भी नहीं माने क्योंकि हमारे देश की जरूरत हमें लग रही थी S400 है, तो हमने S400 ही लिया। और बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये थोड़ा डिले हो रहा है, वरना सून आप देखेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास S400 इक्विप्ड होगा। अब क्योंकि इतनी मारा मारी चल रही थी कि पेट्रोइड S400, तो ये हमारे GD का टॉपिक बन जाता है, या मैं कहूँ सिंपली ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे, जरा थोड़ा आगे हम समझेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम है शुभम वाशने, बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल, एंड माई एम इज टू टेक यू वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। रोज शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे मैं डेली SSB के लेक्चर GD टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन अनअकैडमी शॉर्टर। इसके साथ CDS, FCAT, CAPF, SSB की तैयारी अगर आप करना चाहें तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, ये उसका प्लान है। तो आप में से कुछ लोगों को पता लग गया होगा मेरी पुरानी वीडियो देख के कि मेरा रोमन साइंस आपके साथ उठना बैठना है, तो उन्होंने कहा कि अनअकैडमी मेरी बहुत चलती है, तो मेरे नाम से आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, तो वाशने एज अ कूपन कोड आप इस्तेमाल कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। S400 और US पेट्रोइड, क्यों हम चुन रहे हैं S400? देखिए, दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये सवाल आपसे परसेंट में पूछा जाएगा, जब दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम है तो हम पेट्रोइड ले लेते हैं, कहीं ना कहीं US के साथ हमारे जो अलाय है वो बढ़ रही है, और अगर हम उसकी US पेट्रोइड ले लेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्ती में एक और मजबूती आएगी ना, कि हाँ हम आपके इक्विपमेंट पे विश्वास कर रहे हैं। फिर भी हम इतने एडमेंट क्यों हैं कि हम रशिया के इक्विपमेंट S400 लेने को तैयार हैं? जरा थोड़ा इतिहास समझते हैं दोनों इक्विपमेंट का। पहले लेते हैं US का पेट्रोइड। US पेट्रोइड एक कंपनी है रैथॉन, उसने मैन्युफैक्चर किया है, और 1982 से US की सर्विस में वो है, और 1982 से लेके अब तक वो कई बार एडवांसमेंट ले चुका है, और आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो अपडेटेड है, और आज भी US की जो आर्म फोर्सेज हैं वो उसे यूज कर रही हैं। और इसके साथ जो पेट्रोइड है, US पेट्रोइड, उसने कई वॉर्स में सर्व भी किया है और सक्सेसफुल रिजल्ट भी दिए। फॉर एग्जांपल, इराकी मिसाइल्स के खिलाफ 2003 में इराक वॉर में US पेट्रोइड का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा सऊदी और एमिरेट्स फोर्सेज ने यमन के खिलाफ US पेट्रोइड का इस्तेमाल किया था, और वहां पर भी ये सक्सेसफुल रहा। जबकि S400 की बात करें तो वो बनाया गया फैकल कंपनी के द्वारा, और ये 2007 में सर्विस में आया था रशिया के अंदर, पर इसका कोई भी वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं USA ही कह रहा था, भाई हमारे पास एक एक्सपीरियंस इक्विपमेंट है और उसने कई वॉर में भाग भी लिया है और उसने सक्सेसफुल रिजल्ट भी दिखाए हैं, तो आप इसे ले लो। तो US की बात सही लग रही है, पर हम फिर भी एडमिट रहे हैं, तो कोई खास वजह होगी। थोड़ा और डिग इन करते हैं। US पेट्रोइड के बारे में खास बात यह है कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बेसिस को बचा सकता है, और कोई इंडस्ट्रियल यूनिट हो, जैसे कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या कुछ हो, तो उसको भी डिफेंड करने में ये सक्सेसफुल है। इसके अलावा दुनिया की बड़े बड़े देश जो कि डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं, यूनाइटेड स्टेट के अलावा जर्मनी, जापान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ताइवान, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, स्पेन, ग्रीस, इसराइल, बहरैन, इजिप्ट, जॉर्डन, इतने सारे देश मिलकर US पेट्रोइड को रखते हैं अपने पास और अपने एयर डिफेंस का सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि, और मतलब बिलीव करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एयर डिफेंस को हमारे सुरक्षित बनाता है। बट भाई अगर हम S400 की बात करें तो इसके पास एक्सपीरियंस तो पहले भी नहीं था, बट इसको सिर्फ आज की तारीख में 4 देश रखते हैं। एक तो रशिया है ही जिसने उसे बनाया, उसके बाद टर्की, चाइना, और अब इंडिया के पास भी आने वाला है। बाय हमने कर लिया है, बस उसकी डिलीवरी होनी बाकी है। तो S400 पे हमारा इतना बिलीव है क्यों? कहीं ना कहीं अभी तक तो हमें ड्रॉबैक दिख रहा था। देखिए, S400 की रेंज और उसकी स्पीड, उसका डिप्लॉय टाइम, रिएक्शन टाइम, लॉन्च रेंज बहुत अलग है, जो कि US पेट्रोइड उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। जो रेंज है S400 की है वो है 400 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। स्पीड इसकी है 17,000 किलोमीटर। US पेट्रोइड की इसकी आधी भी नहीं है, 5,602 किलोमीटर तक की इसकी स्पीड है। डिप्लॉय टाइम लेस देन 5 मिनट चाहिए, और सिर्फ 3 इंसान की जरूरत पड़ेगी इसको डिप्लॉय करने के लिए, मतलब एक ऑफिसर और 2 सोल्जर, बस इतने ही लोग चाहिए इसको डिप्लॉय करने के लिए। जबकि यहाँ पर मिनिमम 30 मिनट्स लगेंगे, और कम से कम पूरी एक टीम लगेगी 15 लोगों की इसको डिप्लॉय करने में। इसके बाद इसका रिएक्शन टाइम S400 का 10 सेकेंड है, मतलब इसने दुश्मन को भापा कि वो आ रहा है और उसने शॉट कर दिया 10 सेकेंड के अंदर अंदर। यहीं पर
जो यूएस पेट्रोइड है उसकी जो रेंज और रिएक्शन टाइम है वो बहुत पुअर है, ये 15 सेकेंड है। रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो S400 है वो 90 डिग्री तक मुड़ सकता है, मतलब ये जो चीज है आपको ऐसे टेढ़ी दिख रही है ये सीधी भी खड़ी हो सकती है। और ये S400 की खास बात है कि 90 डिग्री तक वो अपना एंगल, लॉन्च एंगल चेंज कर सकता है, बट वहीं पर पेट्रोइड का जो लॉन्च एंगल है वो सिर्फ 38 डिग्री तक है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो रखी थी और इसी वजह से हमने S400 को चुना एज कम्पेयर टू यूएस पेट्रोइड, जबकि यूएस पेट्रोइड ने इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत की, बहुत बोला हमको हमसे ले लो, बट हमने एडमेंट रहे। इसके साथ एक वजह और थी कि ये चाइना के पास था। चाइना के पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया से बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ड्रॉबैक में रहेगा। इसके बाद अगर हम S400 की बात करें तो मैंने आपको एक बात बताई थी यूएस पेट्रोइड के बारे में, वो क्या थी कि वो बेसिस को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है, बट जो S400 है वो बेसिस को तो प्रोटेक्ट कर सकता ही है बट वॉर में भी एक्टिव यूज में आता है। वो एयर स्पेस दोनों के लिए बड़ा कारगर है और वो जो भी चीज सामने आएगी वो उसको बढ़ा देगा, उसमें वो रुकेगा नहीं। ये थी पूरी कहानी S400 वर्सेस यूएस पेट्रोइड की। अभी तक मैंने आपको सारे टेक्निकल डिफरेंसेस बताए कि क्या वजह रही हमने S400 को चुना, बट प्राइस भी तो एक वजह होगी। क्या दोनों का प्राइस सेम था? नहीं, S400 था सिर्फ 500 मिलियन डॉलर का, यूएस डॉलर का, और यहाँ पर जो पेट्रोइड है वो 3.5 बिलियन डॉलर का था। इनफैक्ट यही नहीं, आपने जब ये पूरा सिस्टम खरीद लिया उसके बाद आपको बैटरी भी खरीदनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट अगेन 1 बिलियन डॉलर थी। तो पूरा का पूरा अगर सिस्टम है पड़े तो 4.5 बिलियन डॉलर का पड़ रहा था यूएसडी में। तो ये हमारे लिए कहीं भी प्रॉफिट वाला सौदा नहीं था कि यूएस पेट्रोइड को हम खरीद लें, ना ही टेक्निकल ग्राउंड पे, ना ही प्राइस के रेंज पे। तो हमने S400 को चुना। अब यहाँ पर एक वजह और बन जाती है कि हमने रशिया से S400 क्यों लिया। देखिए, रशिया हमारा सबसे पुराना रिलायबल पार्टनर है। जब यूएस हमारे साथ भी नहीं खड़ा था तब से हमारे साथ खड़ा है और मोर देन 60% इक्विपमेंट हमारे रशियन है। तो कहीं ना कहीं अगर हम रशियन इक्विपमेंट लेते हैं तो हमारे बाकी इक्विपमेंट के साथ वो कंपैटिबल होगा और यही कारण आखिरी बन जाता है रशिया का S400 लेने का। तो अगर वीडियो 3, 2, 1 गो, अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी आई तो खाने पे बुलाइए और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। मेरे कोई मैसेज हो तो #वाचिंग करके कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे को अगर आप कोई कट 3, 2, 1 गो, कट 3, 2, 1 गो, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाचिंग करके कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।